अराउंड 10 साल के बाद। हेलो गाइस, आज मैं निकल पड़ा हूँ मेरे अपने नए सफ़र पे, मेरे नए हम सफ़र के साथ। कल ही मेरी हिमालया मेरे घर पे आई और आज ही हम पहली राइड के लिए निकल पड़े। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू वाला बेल आइकॉन बटन दबाओ, जिससे मेरे आगे आने वाले व्लॉग आपको नोटिफाई होते रहेंगे। अरे यार, ये ट्रैफिक, बस इसका कोई ऑप्शन मिल जाए। पूरा घोड़बंदर रोड जाम है, बस बगल से निकल पड़ो। नाउ अभी सफाला घाट आ चुका हूँ और अंधेरा बहुत है, सो अभी कैमरा ऑफ करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सो अब एक बढ़िया शाम गुजारने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ राइड टू जर्नी पे। आज हम जाने वाले आशापुरी मंदिर, जो सफाला एडवन लोकेटेड है। तो गाइस, कल मैं रात को मेरे सफाला वाले फ्लैट पे आया था। देन बहुत साल के बाद, अराउंड 10 साल के बाद, मैं यहाँ मेरे गांव में एडवन में आशापुरा मंदिर है, वहाँ आया हूँ। पीछे मंदिर है और यहाँ से एक सेतु है, राम सेतु नहीं, सागरी सेतु, जो हाजी अली की तरफ ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज से हम यहाँ आए। पहले यहाँ आने के लिए हाई टाइड और उसका सब ख्याल रख के आना पड़ता था, बिकॉज पानी भर जाता था तो आने जाने के लिए तकलीफ होती थी। सो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत ही अच्छा ब्रिज बना हुआ है। सो अभी हम यहाँ जा रहे हैं। जब अराउंड 10 साल पहले मैं यहाँ आता था, ये कुछ भी नहीं था और बहुत ही अच्छे से ये टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि ऊपर पत्रे का शेड लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है।
यहाँ की पूरी गुफा है जो वो साइड आगे निकल जाती है, लेकिन यहाँ से अभी छोटा रास्ता बना दिए तो हम यहाँ से बाहर निकले। पहले ऐसे पत्थरों के ऊपर से हम लोग चल के जाते थे और अभी पूरे ऐसी स्टेयर्स बनाई हुई है तो थोड़ा एडवेंचर वाला फील आता था, वो पूरा ख़त्म हो चुका। दोस्तों अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं नए सफ़र में नई कहानी के साथ, तब तक आपकी इजाज़त चाहता हूँ। चलो बाय।